हरदोद और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं भाई। केएमपी का ऊपर जो केएमपी रोड है यहाँ पर ये दोनों देख सकते हैं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर? हम ये कहना चाहूंगे भाई साहब, हमने है ना हमारा किसान आंदोलन है ना अपने पटिया डाला मारा, यो कानून से ना इसने वापस ले लो। अनाज इतनी जनता आ रही है, इतने ट्रैक्टर आ रहे हैं दिल्ली को, भर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, मर लेंगे। हम हमारा हक चाहिए, मारिया लड़ाई है, समझ गया? हम उल्टे नहीं हटांगे। ये जो आवाज हम दे रहे हैं ना, ये दिखाना सरकार को, ताकि पता लग जाए हर एक नौजवान ने सरकार से तंग पा लिया, बेरोजगारी सब कम खत्म कर दिया इस मोदी ने, समझ गए? इसलिए हम अपनी अकी लड़ाई ना और जोरों पर करेंगे। खेत आज मान जाएगी सरकार, अगर से नहीं मानी ना और तो हम ऐसा काम कराएंगे, एक दिन ये सरकार ना रोगी, इस बीजेपी को ना उखाड़ के पका देगा किसान। हर एक किसान का बालक में बहुत तगड़ा जोश भरा हुआ है, बिल्कुल ये जोश देख सकते हैं इन किसानों के अंदर जो बढ़ता ही जाने लग रहा है। ट्रैक्टर परेड किसानों की आप देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप इस आंदोलन को लेकर? जी भाई, हम ये कहना चाहते हैं सरकार अगर कैसे मान जाएगी, अनाज आंदोलन इतना तेज हो जाएगा कि बस माना मुश्किल हो जाएगा सरकार के। सरकार को तो भाई साहब मानना है, कैसे मानेगी वो सरकार की मर्जी, अपनी इज्जत बचा के मानेगी या तरवा के मानेगी वो तो सरकार के हाथ में है। हम अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आगे चलो, दम लग रहा है। राम राम, कहाँ से आ रहे हैं आप? मांडोठी से आ रहे हैं। मांडोठी से, ये आप देख सकते हैं किसानों का जो जुनून लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा, ये जुनून ये आप देख सकते हैं इन ट्रैक्टरों के अंदर, इन किसानों का जो जुनून दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा। लेकिन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो ये जुनून इनका, ये देख सकते हैं एक से एक ट्रैक्टर के ऊपर ये जोश, इन ताऊ बुजुर्गों का, किसानों का जोश ये तो बढ़ता ही जाने लग रहा। हमारे साथ आप इस वीडियो, बल्लू प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, तो जोश जो सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों को काफी लाभ लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो जी, आज हमारा यो इकड़ा है, अगर ये गुंगी भरी सरकार जाग जाए, अगर ये सरकार आज नहीं जागती तो 26 तारीख का जो हमने लाल कर रखा है हम उस पर बड़ा खराब करेंगे। पुलिस प्रशासन ने ये रास्ता रोक रखा था, आपके ट्रैक्टरों ने इस रास्ते को हटाया है, साफ किया, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी हरियाणा पुलिस बार बार प्रयास करी है रोकने का। देखो जी, पुलिस हमारे साथ है, ऊपर से सरकार का दबाव है, हमने अपने ट्रैक्टर लगा गए और ये रास्ता खुलवा कर सब आगे भेज दिया अपने बॉर्डर उसके ऊपर केएमपी के ऊपर चढ़ा दिया जी, हम कसर नहीं छोड़ेंगे किसी चीज की भाई, हाँ कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे जी। चलो जी, लगता है आज का जो जुनून है इसको देखकर कि आप सभी का जो फैसला है कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर की जो परेड लाल किले के ऊपर आपकी बार ट्रैक्टर परेड करेंगे, किसानों के साथ वहां जाएंगे। देखो जी, 8 तारीख की मीटिंग में या तो सरकार को उठने टेक देगी ना, 26 तारीख को हम जो आज तो एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर 26 तारीख को दिखा देंगे। बिल्कुल, ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो तमाम तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जोश ट्रैक्टरों का जो जोश है, सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ जाएंगे और टिकरी बॉर्डर वाले सिंघू बॉर्डर की तरफ जाएंगे, ये तमाम तस्वीरें ये जोश के साथ ये आप देख सकते हैं इनका जो जोश ये देखने के लायक है। युवा किसान हमारे साथ मौजूद, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के भाई साहब? देखो जी, सरकार ने जो बैरिकेड्स की है जी, हर मोड़ पर सरकार दिखते लगा रही है जी, जमींदार उसको, किसान उसको कुचल कर आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, चारों तरफ देख लो किसान ही किसान है, ट्रैक्टर है, कोई भी व्हीकल और नहीं है सड़क पर। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ केवल और केवल किसान, जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं इनकी खुशियां, इनके ऊपर कितना जुनून और कितना जोश ये देखने के लिए आप यहां पर इस ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।